धर्मशासन मैं सर यकूब। आप मेरे दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल में करते दोस्तों, सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो जो है, वीडियो का टाइटल हिंदी में है ये ABP आई थिंक, नहीं ये शायद इस तरह कुछ का नाम है, रिवर टॉक्स या क्या नाम है उसकी वीडियो है। योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया जा रहा है, तो देखते हैं दोस्तों वीडियो में, इस पर बात करते हैं। आप परिवर्तन रैली के जो पोस्टर हैं उसमें आपकी तस्वीर नहीं, कमेटी बनी मर में आपको उसमें नहीं, आप रह कहाँ जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूँ और सब जगह भी हूँ। नहीं और कहीं भी नहीं, मतलब आप भगवान हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। मैं एक हिंदू हूँ, आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई, ये गलत बात है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं, ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है, इस तरह से बोलना चाहिए? ये घटना वहां की नहीं, ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आपको बांटना चाहिए बंदूक, बिल्कुल शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे, हमारी परंपरा है। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे, ये कहां लिखा गया है, ये कहां लिखा गया है? योगी जी अगर देखिए, आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? मैं कहता हूँ संविधान में कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो, ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इस आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उसमें सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं, थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं, जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आजकल योगी जी के इंटरव्यूज को देखकर मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इनके साथ ये हो क्या रहा है। मतलब कल तक जो गोदी के पत्रकार सत्ता के गोदी में बैठे हुए थे, अचानक पार्टी बदलते हुए नहा धोकर सिर्फ योगी जी के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब अगर आप आज के ही इस इंटरव्यू को देखेंगे तो पत्रकार टारगेट करते हुए एग्रेसिवली योगी जी से ऐसे ऐसे सवाल करता है कि लाइव डिबेट में पहली बार योगी जी का बीपी बढ़ जाता है और वे वहीं पर पत्रकार पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। एक टाइम के बाद तो देखकर ऐसा लग रहा था कि पत्रकार भी डर गया था कि भाई अब हो गया, अब अगर हम इससे ज़्यादा बोलें तो कहीं बाबा जी गुस्सा के पीछे से हमारे घर भी बुलडोजर ना भेज दे। बाकी दोस्तों हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, मगर हाँ वो कहते हैं ना बखिया उधेड़ना, बिल्कुल इस इंटरव्यू में पत्रकार ने ईमानदारी के साथ योगी जी की बखिया उधेड़ी है। बाकी डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा डिबेट आप खुद देखिए। चलो भाई, आप परिवर्तन रैली के जो पोस्टर हैं उसमें आपकी तस्वीर नहीं, कमेटी बनी मर में आपको उसमें नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप रह कहाँ जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूँ और सब जगह भी हूँ। आप हैं और कहीं भी नहीं, मतलब आप भगवान हैं? मैं सब जगह हूँ, मुझे लगता है जो जिस रूप में मानेगा मैं उस जगह वहां पे हूँ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूँ। मैंने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। ध्रुवीकरण की बात होती है, आपको सबसे आगे रखा जाता है। देखिए खास किस्म की राजनीति चाहिए होती है, आप सबसे पहले आते हैं। आपने कभी आत्ममंथन किया इस पर, कभी आत्मचिंतन किया इस पर? हाँ, मैं गंभीरता से आपसे सवाल पूछता हूं। आत्ममंथन के बाद ही मैं इस बात को बोलता हूं, इस देश में एक और कश्मीर को बनने से बचना होगा और बचाने के लिए मुझे लगता है कि अपने स्वार्थों की राजनीति को तिलांजलि देकर के आगे आना होगा। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है, इसका आप इतिहास देख लीजिए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया, 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, लगातार जुड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए, आप भी उसी तरह की बात करते हैं। तो इसी आपत्ति नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं
तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको तो मुझे अप्रिसिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस अनुसरण उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूँ, जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपकी पार्टी ने में ही एक विशेष ब्राह्मण वर्ग है जिनको इस तरह की बातें नहीं पसंद आती, जिनको आप जो ये जो कड़ा रवैया अपनाते हैं वो नहीं पसंद आता। देखिए मेरी बात किसको पसंद है किसको नहीं है, मुझे लगता है कि जिसको पसंद है वो मुझे बुलाते हैं, जिसको पसंद नहीं है मैं वहाँ स्वयं नहीं जाता हूँ, और लोग मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। बाकी मुझे देखिए एब्सोल्यूट कोई नहीं हो सकता है, 100% किसी की बात को कोई नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन जो सच है उस सच को बोलने के लिए साहस चाहिए और उस साहस को हम बोलने का प्रयास करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है, और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई, मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे भाई, आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि खास ब्राह्मण वर्ग है। राजनाथ सिंह आपकी बातों को नहीं सही मान रहे हैं, आपने कहा कि कैराना कश्मीर बनता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरे क्या कहना चाहेंगे आप राजनाथ सिंह जी को आज? देखिए राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, देख मैं उनको जो कहना उन्होंने कहा है, लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं इस स्थिति जिस प्रकार से है, मैं जिस तेजी के साथ खराब हुई है, अगर समय रहते उसको नियंत्रित नहीं किया गया। वो भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। राजनाथ सिंह में कुछ ऐसे तो ये सब लोग आप ही की पार्टी के लोग, ठीक बात है ना, ठीक बात है। ये सब पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, कश्मीर में भी पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी, बाद में 19 जनवरी 1990 घटित होता है। 19 जनवरी 1990 पे क्यों नहीं चिंतन होता है, क्यों नहीं इस पर चर्चा होती है? 19 जनवरी 1990 के बारे में कोई चर्चा आज तक नहीं हो रही है। कारण है हिंदू मारे गए, हिंदू भगाए गए, हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम होता है। क्या हिंदुओं इस देश में कहीं एजेंडे में नहीं है, उसका कोई भी आके कत्लेआम कर ले। उत्तर प्रदेश में कश्मीर की इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को होने से बचाना होगा, और इससे पहले ये चीजें आए हमें केराना और कंधरा जैसी घटनाओं को रोकना होगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अखिलेश यादव बुरा है, बिजली हिंदू और मुसलमान देख के बांटी जाती है, उन्होंने आपको कहा कि भाई बिजली का तार छू लीजिए करंट लगेगा पता चल जाएगा। देखिए मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में चंगू और मंगू की, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मैं देखता हूँ तो उनकी कथा मुझे लगती है वो चंगू की तरह है जो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी ठीक है। और क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण में इन्होंने भेदभाव किया है? क्या इन्होंने मोहल्लों में और पर्व और त्योहारों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है? आखिर समझाएं कौन, जो व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को ही टूटी साइकिल से उतार कर फेंक सकता है उसकी जनता के लिए उसके कोई मायने नहीं। ये अन्याय है और ये ही बताता है कि इन्होंने समाज को इसी आधार पर बांटा है। तो क्या आप जाइए ना देखिए, या फिर ईद के समय देखिए, ये जो कट्टरपंथी वाली आपकी छवि है, हमारी कोई कट्टरपंथी वाली छवि नहीं है। क्या आपने कभी मैं कह रहा हूं मैं कट्टरपंथी हिंदू नहीं हूं, एक हिंदू के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जो सच है उस सच को बोल रहा हूं। बीजेपी की एक कट्टरपंथी छवि रही, इन्होंने अपनी छवि बदली, विकास की बात करते हुए आए, अपना काम लेकर नरेंद्र मोदी और छा गए। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया है कि अगर मुझे ज्यादा लोगों की मदद करनी है तो ये एक रास्ता है जो मोदी जी ने दिखाया, इस पर चलना चाहिए? विकास हमने किया है, आप गो के विकास को देखेंगे तो मुझे लगता है आप ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछते। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुत्व की इस हिंदुत्व को आप विकास का विरोधी मत ठहराइए। हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं, और हम लोगों ने विकास कराया है मैं और प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अच्छा विकास। चलिए अब आप सुन लीजिए, क्या बड़ी आबादी को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप पार्लियामेंट के आगे खड़े होकर, और आपकी भाषा तो होती है, आपने कहा कि बेमौसम बरसात है। आप महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, भ्रूण हत्या कर देंगे। अरे प्रतिबंध लगाना है, भ्रूण हत्या पे लगाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए। और हमने इसी बात को कहा, आरक्षण हर समस्या का समाधान नहीं। यही तो होता है योगी जी, आप तिरछे चले जाते हैं पार्टी में एक तरफ, ये सीधा रास्ता है, सुन तो लीजिए, गुमराह करने वाला रास्ता नहीं, सुन तो लीजिए, सच्चाई वाला रास्ता है, वही सच्चाई हम बोल रहे हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। ये सोच अपना इस प्रकार का वक्तव्य, मुझे लगता है कि हम इससे सहमत नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, हम लोग का आधार और मुस्लिम को नहीं मानते।
ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है, इस तरह से बोलना चाहिए? ये घटना वहां की नहीं, ये सामान्य बात नहीं है। आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है, FIR लॉज नहीं होता है। हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ ये करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और ये प्रशासन का दायित्व है। लेकिन ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं? मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए बंदूक। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे, हमारी परंपरा है शस्त्रण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता परिवर्तते, हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, अगर, लोग मारे अगर जाएंगे। शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई है, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे, ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर कर दे। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं। लेकिन ये शास्त्र सम्मत है तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में ये कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो, ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो, ये संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं, नहीं है। मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उसमें सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे? जवाब नहीं, जवाब के साथ सवाल करना आवश्यक है। तो आप पर यह तो मानते हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं? संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है, संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति मत मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रदेश में हुआ है और देश के कई राज्यों में अतीत में यह हुआ है। जनता को बुनियादी सुविधाएं देने की बजाय सपा ने 15 वर्षों में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बना करके केवल ग्राम समाज की जमीन को गरीबों की जमीनों को कब्जा किया है। भारतीय जनता पार्टी तो विकास भी करेगी। अब मैं आपसे पूछूं सवाल, उत्तर प्रदेश की हालत ही खराब है, आप हथियार देने तक की बात कर देते हैं, आप क्यों नहीं? आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है? आपको जानकारी होती तो प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछते, समझ में? को अगर आपने देखा होता ये प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछे होते और इस प्रकार के प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको। आपको जानकारी नहीं, यहाँ पर बात सुनिए पहले, मुसहर जाति के लोग जो भूखों मर रहे थे अगर इन आंदोलनों को कभी आप लोगों ने सही ढंग से देखने का प्रयास किया होता तो संभवतः ये प्रश्न आप कभी नहीं पूछते मुझसे। जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है आपने उन्होंने देखे होते तो प्रश्न ही आप मुझसे नहीं पूछते। एक दूसरा नहीं, वो मैंने देखा है, आपने रोते हुए बात वो मैं समझता हूं, मैंने कहा ना वो संवेदनशीलता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात को कहा। आपने हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है, आप अलीनगर का नाम आर्य नगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहां जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने के बजाय हाईवे पे चलें। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए सर, कुछ और ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे, सबका नाम बदलेंगे। क्या होगा जी ताजमहल का नाम, वो तो आप तय करेंगे। नहीं मैं क्यों, आप बदलवाना चाहते हैं, मैं कौन होता हूं जी? आप जो तय करेंगे हम तय कर देंगे। नहीं पर आपने मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ताजमहल बदलवाना चाहते हैं, नाम पर नाम नहीं सोचा योगी आदित्यनाथ? मैंने कहा ना समय आने दीजिए, हर चीज का इंतजार करिए, सारी चीजों में एक बार बोल दूंगा तो फिर अगली बार का कौन सा मसाला मिलेगा आपके पास? अच्छा आप इस तरह से करते हैं, आप मसाला बचा बचा के चलते हैं। मैंने तो सोचा कि आपके पास बहुत मसाला है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि सारी चीजें एक बार बोल देंगे तो अगली बार के लिए भी कुछ रखिए अपने लिए। प्रधानमंत्री जी त्रिशंकु वाली बात क्यों कर रहे हैं? नहीं प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य कहा है कि कोई भी ऐसा कार्य आप न करें और उन लोगों को कतई न भेजें जो सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा पैदा करने वाले हैं। अगर आपसे कहे केंद्रीय नेतृत्व
कि हिंदू युवा वाहिनी को बंद कर दीजिए। मैं एक मिशन के साथ जुड़ा हूँ, अपने अभियान के साथ लगा हूँ कि जनता मुझे चुनके भेजती है, उनका समग्र विकास करता हूँ, हिंदू समाज की रोटी खाता हूँ, हिंदू समाज के लिए कार्य करता हूँ, यही मेरे जीवन का ध्येय है, बाकी कोई ध्येय नहीं। ये जो कट्टरवादी हिंदूवादी बात है उससे हम लोग 15 बात, और फिर उन्होंने विकास उसमें जोड़ा, बाद में आया विकास। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की क्या इस तरह का कोई बदलाव आपके अंदर दिखाई देगा? विकास हमारा पहले भी एजेंडे में था, विकास हमारे एजेंडे में आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। हिंदू न कट्टर होता है न सॉफ्ट होता है, हिंदू केवल हिंदू होता है, और उस हिंदू को हिंदू के रूप में आप पहचाने तो आपकी बड़ी कृपा होगी हिंदू समाज पर। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में पत्रकार के ईमानदारी और निष्पक्षता पर अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल। तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म, वीडियो तो बड़ी गरम गरम होगी यार। मैं जब यहाँ बोलता हूँ तो आप कहते हैं यार आप हाइपर हो रहे हैं। नहीं योगी सर, मैं गलत कुछ नहीं बोला, मैं ये गलत नहीं बोला। जब उनसे सवाल किया गया एक औरत ने कि आप अगर हिंदू लड़की पर कुछ होता है तो आप खड़े होकर ये कहते हैं कि अगर हिंदू लड़की पर हुआ 10 मुसलमान लड़कियों पर हुआ, ये स्टेटमेंट मैंने आज तक योगी साहब के मुंह से नहीं सुना। अगर वो मुस्लिम महिला कर रही है तो फिर योगी साहब ने बताया भी है कि ये मैंने जब मतलब वो फिर बता रहे हैं ना कि जिस जब वो महिला पकड़ी गई है, उठाई गई है, उसके साथ हुआ वो मामला हुआ होगा, तो वो कहता कि वो उसका जो उधर का सीएम है, उस एरिया का सीएम है या उधर की जो एग्जीक्यूटिव है, उसको चाहिए ना उसके साथ कॉपरेट करे, उसको हटाए। तो अगर तो योगी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर एक हिंदू लड़की का रेप होता है या एक हिंदू लड़की के साथ जाती होती है, 10 इनकी मुस्लिम लड़कियाँ उठा दो, तो ये तो सीधी सीधी फिर जंग है, ये तो फिर सीधा सीधा तानाशाही है, ये तो फिर सीधा सीधा जुल्म है। लेकिन ऐसा उसने किया नहीं, ऐसा कहा नहीं। वो मैंने डिमांड की थी उस लड़की को। अच्छा, फिर इसने कहा कि जब 1990 की बात की मेरे ख्याल में, जब वो कहते हैं कि कश्मीर में हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, तो वो बात आज तक किसी को याद नहीं है, किसी ने की नहीं है। ऐसा कश्मीर एक पंजाब में ना बन जाए, ऐसा कश्मीर एक क्या उत्तर प्रदेश में ना बन जाए। मेरे भाई कश्मीर आपका था ना, आपके बाप का था ना हमारे बाप का था। कश्मीर जब हिंदुस्तान था तब भी आज़ाद था, अलग-अलग रियासत थी, आज भी वो वैसे चाहना होना चाहिए था। वो हम दोनों का कुछ नहीं था, ये कल की वीडियो में बता चुका हूँ मैं। ये तो हम दोनों मुल्कों ने उन पर जुल्म किया हुआ है। योगी साहब एक बार में फिर से जो बात की ना, कत्ल करना चाहिए या मार देना चाहिए, तो उस पर आकर फिर से उस पर वो जो एंकर था, मुझे पता नहीं एंकर कौन, लेकिन एंकर ने बड़े सवाल अच्छे किए, बड़ा हाई लेवल का काउंटर किया। अच्छा एक और बात, जब हम कहते हैं कि जुल्म का बदला ना कत्ल का बदला कत्ल इस्लाम में है, तो आप कहते हैं कि ये तो सीधी सीधी वो क्या कहते हैं जुल्म है, ये तो सीधा सीधा फिर इंतशार है। नहीं, योगी आदित्यनाथ से जब पूछा गया कि आप वो कहीं पार्टी का नाम ले रहे हो, तो आई थिंक उनका फंक्शन था जो भी था, कट समझ में कट था, तो उधर योगी साहब नहीं थे, उन्होंने कहा तो आप उधर मौजूद थे। योगी साहब ने कहा मैं उधर ना भी मौजूद हूँ उधर मौजूद हूँ। नहीं, उसने कहा मैं कहीं भी ना हूँ तो मौजूद हर जगह होता हूँ। तो फिर जगह क्या फिर भगवान है, उन्होंने जो जिस रूप में मुझे समझना चाहे समझ लें, जैसे खुद इकरार कर वो एक अकड़ा हुआ आदमी जिसके अंदर गरूर और तकबर तो कूट कूट कर भरा हुआ, उसको इस चीज़ पर बहुत तकबर है कि मैं हिंदू हूँ। वो भाई पूरा मुल्क हिंदुस्तान हिंदुस्तान में रहने वाले काफ़ी हिंदू हैं, बहुत ज़्यादा है, एक आप नहीं है। और जो बात है जिस पार्टी में आप हैं ना, जिस पार्टी का एजेंडा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, समझ रहे, विकास करेंगे सबका, उनका मुझे उस पार्टी पर भी ताज्जुब है और महान मिस्टर मोदी पर भी कि आप जैसा बंदा उसने अपनी पार्टी में रखा हुआ है। क्या है इतना आकर पसंद, इतना सिर्फ हिंदू की बात करने वाला, मुस्लिम का नामो निशान नहीं, या तो कह दो कि मुस्लिम आपके मुल्क का हिस्सा नहीं, फिर उनके नाम जो बाजार हैं उनके नाम बदल रहे हो। हाँ, उर्दू बाजार हिंदी बाजार, ये तानाशाही, ये तो और क्या है, उन्हें ये होता रहेगा।
कहा फिर आप ताजमहल का भी नाम बदलेंगे? इस चीज से एक चीज तो साबित होती है कि जो बाबरी मस्जिद वाला केस है वो जान बूझ कर पैसे देकर चुप कराया गया या जैसे भी दबाया गया है वो मेरे भाई दबाया गया, वो कोई अदालत का नोटिस वगैरह या कोई फैसला नहीं है। फिर वो तो एक तरीके से ना उस बात को रंग दिया गया कि चलो ऐसा नहीं ऐसे करके इनसे पीछा छुड़ा। बाबरी मस्जिद वाला का केस बड़ा मशहूर है। असल में ना ये मशहूर इसलिए भी ज्यादा है जो योगी साहब ने, ये बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है, ये बख्श किसी को भी नहीं रहा। हाँ बख्श नहीं ना रहे, तो जब इनकी औकात का पता चलता है किसी और मुल्क में, हिंदू जब हिंदुस्तान में नहीं किसी और मुल्क में मारे जाते हैं, दंगे फसाद होते हैं, तब ये बहुत दोस्तों आज एक मेरे सामने से वीडियो गुजरी फेसबुक से, फेसबुक पेज था, अब पता नहीं मैं डाउनलोड की या नहीं की, उस पर एक्शन भी करना था। मुझे आज बहुत रोना आया है और उन तमाम हिंदुस्तानियों पर भी मुझे ताज्जुब है कि यार ये कैसे हो सकता है। मैंने एक देखा दरबार बिल्डोजर से याद आया, एक मज़ार देखा किसी अल्लाह वाले बंदे का, फकीर का, तो उस मज़ार को जनाब पहले आते हैं चार पांच लोग हैं, चार हैं, एक के पास कैमरा जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो बाकी तीन लोगों के हाथ में बड़े बड़े ना दस्ते वाले हथौड़े हैं, मतलब जो बड़े थोड़े होते हैं, एक छोटा हथौड़ा होता है, एक हैंड का जो बड़ा हथौड़ा होता है वो दो हाथ से जो मारा जाता है वो वाला, तो वो तीन लोगों के हाथ में थे, दो तीन उनके हाथ में थे, एक वीडियो बना रहा था। तो वो जब दरबार में एंटर हुआ है, ये मैं सच बोल रहा हूँ, ये मैं झूठ में देख कर बात था, अगर मुझे वीडियो मिल गई तो मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगा। मैंने आज देखी, आज सुबह देखी थी, अब तो यार काफ़ी देर हुई, मुझे अब याद ही आ पाई है, पहले याद नहीं थी। तो मैंने खुद देखा कि वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और उस कब्र को तोड़ रहा है, कब्र को तोड़ने के बाद बिल्कुल ज़मीन के बराबर कर दी उस कब्र को, फिर ऊपर चढ़ गया गुंबद पर, गुंबद को तोड़ना शुरू कर दिया। उस वक्त मुझे बड़े गुस्सा आया। फिर वो बाहर कहीं निकले हैं, बाहर की और कब्र थी, मतलब थोड़ी ऊंची थी, उस पर मतलब गुंबद वगैरह नहीं था, वैसे ओपन एरिया में एक कब्र थी, उसके ऊपर मतलब ऊंची जगह जारी बात कब्र है तो कब्र का निशान होता है, थोड़ा ज़मीन से उसको ऊँचा रखा जाता था, तो वो ज़मीन से दो फीट ऊंची थी भी ग्राउंड में कहीं, मतलब थोड़ा बैकवर्ड एरिया में, तो उसको भी वो हिंदू जो थे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और तोड़ रहे थे। अब ये कोई बंदा ना माने तो इतना आप यकीन कर लें कि मैं बात तुमने देखी है, देखा कि मुझे मिल गई तो मैं प्रोवाइड भी करूँ। मैं जब ये ऐसी बातें करता हूँ ना बड़ा दिल दुखा, और पाकिस्तानी जब ऐसी बातें करते हैं तो ये लोग पता क्या कहते हैं, ये तो बगावत को हवा दे रहे हैं, ये तो हमारे हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाओ या जो मर्जी करो अपनी जगह पर करो, अपने मुल्क में जहाँ तुम्हारी इबादतें हैं जो तुम्हारे घर है वहां पर करो, लेकिन जो कि तो फिर ये नारा लगाना छोड़ दो, अपने लीडर को कहो मिस्टर मोदी को कि ये नारा लगाना छोड़ दो कि हम सबके साथ है, सबका विकास है, ये तो पूरे मुल्क में, बल्कि आपकी तो ख्वाहिश होगी पूरी दुनिया में हिंदुइज्म फैले, तो अपने मुल्क में ख्वाहिश नहीं है, तुम अपने मुल्क में शुरू हो चुकी हो और ये काफी सालों से था। आज ये बीजेपी की हुकूमत स्ट्रांग है मुल्क में, कोई खबर बाहर आती नहीं, पता नहीं ये वीडियो फिर कैसे बाहर आ गई, ये भी किसी बेवकूफ के थ्रू आएगी बाहर। नहीं वो खुद कह रहे थे वीडियो के अंदर ही, इस वीडियो में देखी होगा, इसको शेयर करो, ज्यादा शेयर करो, तो ये गलत बात है। फिर योगी हम नहीं अब दंगे करेंगे, ये वहां के मुस्लिम अब आपको बताएंगे कि दंगे कैसे। योगी आदित्यनाथ ने जो सवालों घबरा, मैं इधर इनको नेगेटिव पॉइंट दूंगा, नेगेटिव इसलिए दूंगा, उनको घबराना नहीं चाहिए था, जितने मर्जी सख्त सवाल आ जाते, हालांकि वो जवाब दे रहे थे, वो हाइपर हो गए थे, हाइपर बहुत हाइपर, इतने बड़े मंझे हुए सियासतदान, इतने एक टैलेंटेड एक बेहतरीन लोग इंसान, अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और ऊंचा बोलना शुरू हो जाता है, समझ ना लग रही थी वो जज्बाती, हालांकि एंकर स्कूल से बात कर रहा है, तो योगी आदित्यनाथ साहब जो है वो हैपर हो गए और पता चल रहा था कि उनके चेहरे पर गुस्सा है और उनके अंदर एक नफरत है, मुझसे सवाल क्यों कर रहा है। हिंदुइज्म की वह ना बीमारी गुफाए नजर आ रही थी, जब मुस्लिम की बात की जाती तो उसके चेहरे से नजर आता था कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है। हिंदुइज्म मुस्लिम नहीं था, असल में सवाल बिल्कुल चुगट पुट कर रहा था, एक दो सवालों में बिल्कुल फंसे हैं। वाकई आज महसूस हुआ है कि योगी आदित्यनाथ को भी फंसा लिया है एंकर ने। योगी आदित्यनाथ के पास एक दो ऐसे सवाल थे जिनका कोई खातर खा जवाब नहीं था,
बल्कि सवाल के बदले वो सवाल कर रहे थे, वो कह रहे थे क्या क्या आप लिखा है कहीं संविधान में कि गले काट दो ना, तो मैं उसको सवाल के जवाब देना चाहिए नागा आगे से जवाब सवाल। और किसी भी, ये मेरा मानना है, हालांकि ये मैं हिंदुइज्म को नहीं ना मानता, ये मेरा मानना है कि किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा होगा, ऐसा नहीं कहीं भी नहीं लिखा होगा। चलो जी, खैर वीडियो बड़ी शानदार रही योगी आदित्यनाथ को, आज मैंने गुस्से में और हाइपर होते हुए असल शक्ल उसने जाहिर करवाई आज इंसान ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाटक साथ, गॉड ब्लेस यू।